बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम होम पैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें कोरोना वायरस की अलामत और आम नज़ला ज़ुकाम की अलामत, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको आम नज़ला ज़ुकाम और कोरोना वायरस की अलामतों में फ़र्क इसके बारे में बताऊँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलोजी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आम नज़ला और जुकाम जैसे कि अमूमन लोगों को होता है, जिसमें नज़ला और जुकाम और इसके साथ खांसी और बाज़कात बुखार की अलामतें आ जाती हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जैसे किसी को एलर्जी की वजह से नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है और बाज़ लोगों को मौसमी नज़ला और ज़ुकाम होता रहता है। बाज़ लोगों को नाक की बीमारी जैसे साइनोसाइटिस हो जाए, जिससे नाक की बंदिश और छींके आनी शुरू हो जाती हैं और इसके साथ साथ बुखार की अलामतें भी आ जाती हैं और बाज़ का खांसी भी होती है। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस की अलामतें जो कि आम नज़ला और ज़ुकाम की तरह इब्तदा में होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका असर बढ़ता जाता है तो ये लंग्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, यानी वहाँ पे सोजश बन जाती है और इसके साथ साथ मरीज को नज़ला ज़ुकाम बुखार रहता है और साथ साथ सांस की दुश्वारी शुरू हो जाती है। और ये सांस की दुश्वारी जो है ये बहुत सवियर यानी शदीद किस्म की होती है, जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है और मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है। कोरोना वायरस के मरीज की अलामत बाज़कार एक दो दिन पोशीदा रहती हैं, यानी ज़ाहर नहीं होती, और धीरे धीरे यानी आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाहर होती हैं, और जिसका पीरियड 14 दिन तक होता है यानी 2 वीक। जैसे जैसे वक़्त गुजरता जाता है तो इसकी तकालीफ तेज़ी से आती हैं और मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी शुरू हो जाए तो आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपनी तफसील उनको ज़रूर बताएं, ताकि वो आपको इसका इलाज या इसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो बता सके। और आप वायरस की वजह से अगर आपको अलामत पैदा हो रही हैं या आम नज़ला ज़ुकाम की अलामत हैं तो आपको इससे आगाही मिल सकती है और आप कोई भी एहतियाती तदाबीर या दवाई लेके इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए।